पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने जा रहा है और जो पहले अभी जो लिस्ट आया है उसमें बिल भी चार हैं, स्पेशल सेशन को लेकर जो चर्चा होगी वो कुछ हद तक पिक्चर सामने आ रहा है। आपका आपको क्या लगता है कि कुछ ये असली ये मुझे लगता नहीं कि ये असली पिक्चर है। ये सरकार जो है बहुत सी बातें छुपाती है, असली चेहरा बाद में सामने आता है। अब 18 तारीख से 22 तारीख तक ये सेशन है, 5 दिन उनका एक मुखौटा दर दिन गिर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये न्यायालय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, उस तरह की बहुत सी बातें बिल सामने आ जाएंगे और पार्लियामेंट के माध्यम से देश में डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, एनडीए वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मीटिंग तो फेल रहा, कुछ भी करने में आप लोग विफल रहे, सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आप उससे आपका क्या मतलब है, हम देख लेंगे ना, आप अपना देख लीजिए, आप देख लीजिए आपका इंडिया का क्या करना है, हम फेल है या सक्सेस है वो हम देख लेंगे। आप जम्मू कश्मीर पर ध्यान दीजिए ना, आपके हाथ में देश का नियंत्रण है, सरकार आपकी है तो आप सरकार है, हम विपक्ष में है ना तो हमारी बात हम पर छोड़ दीजिए। 2024 में पता चलेगा कौन फेल है और कौन सक्सेसफुल है। सनातन धर्म को लेकर विवाद थम नहीं रहा है, मुझे लगता है विवाद थम गया, स्टालिन साहब ने उस बारे में क्लैरिफाई कर दिया है। इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज वी रियली गो टू दिल्ली फॉर सम गुड वर्क, गुड डिस्कशंस, गुड डिबेट्स एंड समथिंग दैट वी कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन with good policies, but that doesn't seem to be happening in Delhi in this government, unfortunately. Are you taking a reservation issue to the parliament? Oh, clearly. I mean, Mahavikas Agadi is totally committed. When we had the India meeting also, we have a India agenda, and from Maharashtra, Shri Sanjay Raut ji and the Congress, a lot of our Congress colleagues were present, and myself, represented NCP, we will definitely be highlighting the Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim Arakshan issues. We will, over and above, of course, the drought and the water situation in Maharashtra is, and price rise, inflation and unemployment. These will be high on our agenda in the session. India Coordination Committee meet took place, it was the first Coordination Committee. What is the plan of action from here? I did not attend that meeting. It was a select group of 13 which were a part of that meeting. Sonia ji ke patr ka ek dabav hua, tab jaakar inhone agenda bheja. एजेंडा जब देखा तो लगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो विंटर सेशन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, तो कुछ ऐसा है जो साझा नहीं किया गया और जो छिपाया जा रहा है। जो भी हो, जो सीईसी का बिल है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सर, इसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी कल बैठक हुई, अगली बैठक जो है भोपाल में करी जाएगी। कास्ट बेस्ड सेंसस को भी एक इशू डिस्कशन में आया है, ये कल नेताओं ने कहा, इस पर क्या कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया? और दूसरा, ये बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि तो चोरों का और करप्ट लोगों का गठबंधन है जिन्हें डायनेस्टी और अपीजन पॉलिटिक्स पसंद है, और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि वो लोग हैं जिनकी सच्चाई एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ये तो पंजाब और हरियाणा में ही सामने आ गया। G20 की निंदा करते हैं, G20 देश का है, किसी एक का नहीं है। कल जो कास्ट सेंसस पे वेणुगोपाल जी ने आप सबको जानकारी दी, आपको याद होगा कि अप्रैल 2023 में कोलार में राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कास्ट सेंसस के विषय में सबसे बड़ा एक मांग की थी, और हम उस मांग पर सब कायम हैं, ये हमारी प्रमुख मांगों में से एक है। और जो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, आज अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हमारे गठबंधन से? हमारे गठबंधन से इतना परेशान है कि अचानक एनडीए भी याद आ गया इनको, अभी तक तो एनडीए सुप्तावस्था में था। तो ये डर हमें अच्छा लग रहा है, आगे आगे देखिए और कौन कौन क्या क्या बोलेगा।